नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप का जो आइकन है उसको अपना हिसाब से कैसे आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे आपको छोटा करना या बड़ा करना, तो आप अपना हिसाब से कैसे इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। तो इसके लिए बहुत ही एक सिंपल स्टेप बताऊंगा आपको, वीडियो में बताने ना शुरू से लेकर लास्ट तक। और अगर आप हमारा चैनल में नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसके लिए फ्रेंड्स, आपका कंप्यूटर या लैपटॉप का कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को आपको इसको प्रेस करके रखना है। इसको दबा के रख के आपका जो माउस का जो व्हील है, व्हील को घुमाना है। आप जैसे घुमाओगे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपका ये छोटा हो रहा है, फिर कुछ इस तरीके से आप जैसे उल्टा घुमाओगे ये बड़ा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप कुछ इस तरीके से इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। अभी अभी आपको दूसरा तरीका बताते हैं। अगर आपका ये ऐसे काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको ऐसे कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके फिर आपको आपका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को दबा के रखना है। फिर आपको जो माउस का व्हील को आपको घुमाना है कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो बहुत ही एक सिंपल स्टेप है, इसी से आपको लैपटॉप या कंप्यूटर का आइकन है वो छोटा या बड़ा कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं कोई नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।